गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। इस चैप्टर के अंदर जेम्स हैरियट इज द ऑथर ऑफ अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। जो हमारा जो लेसन है इसका जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कौन है? जेम्स हैरियट नाम का बंदा है। ही राइट्स मेनली अबाउट पेट्स एंड देयर केयर। और ये जो बंदा है वो मेनली किसके बारे में लिखता है? पेट्स के बारे में, पालतू जानवरों के बारे में और उनकी केयर के बारे में। इन दिस स्टोरी ही टेल्स अस अबाउट ट्रिकी। और इस कहानी के अंदर जो वो हमें बताने वाला है वो किसके बारे में बताने वाला है? ट्रिकी के बारे में बताने वाला है। किसके बारे में बताने वाला है? ट्रिकी के बारे में बताने वाला है। और ये ट्रिकी क्या है? इट इज अ पैट डॉग। ठीक है, ट्रिकी की ये कहानी है और वो क्या है? एक पैट डॉग है ऑफ मिसेस पम्फ्री। और वो कुत्ता किसका है? मिसेस पम्फ्री का है। हु इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच। और ये जो लेडी है हमारी मिसेस पम्फ्री, ये बहुत ही रिच लेडी है। शी लव्स हर डॉग वेरी मच। और वो अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट शी थिंक्स दैट द ओनली वे टू सेटिस्फाई ट्रिकी वॉज टू ओवर फीड हिम। लेकिन ठीक है, मिसेस पम्फ्री को लगता है कि अगर वो ट्रिकी को सेटिस्फाई करना चाहती हैं तो क्या करना होगा? उसको ओवरफीड करना होगा। ओवरफीड होता है ज्यादा खिलाना होगा। विद द चॉइसेस्ट डेलिकेसीज। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल खाना मिलता है उसको, उसकी चॉइस की, मतलब ट्रिकी के चॉइस की उसको डेलिकेसीज जो है वो सर्व की जाती हैं मिसेस पम्फ्री द्वारा। ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड पेट ह्यूजली फैट। और ओवर ईटिंग में पहला कारण और दूसरा कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब ये जो हमारा डॉग है ट्रिकी, ठीक है, बहुत ज्यादा खाता है और एक्सरसाइज भी नहीं करता, इस वजह से ये जो पेट है वो ह्यूजली फैट हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। द नरेटर कन्विंसेस हर दैट ट्रिकी नीड्स सर्जरी। और जो हमारा जेम्स हैरियट है वो कन्विंस करता है मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी को क्या चाहिए? सर्जरी चाहिए अगर इसको ठीक होना है। एंड हैड टू बी केप्ट इन हिज प्लेस फॉर ऑब्जर्वेशन। और उसको कहता है कि आपको ये आपका जो पेट है ट्रिकी है वो मेरे पास रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। मिसेस पम्फ्री इज रियली वरीड अबाउट द वेलफेयर ऑफ ट्रिकी। अब जो है मिसेस पम्फ्री काफी चिंतित हैं अपने जो डॉग है ट्रिकी उसके वेलफेयर के लिए। सो ही हैड बीन सेंडिंग एग्स। तो अब ठीक है, तो हमारा जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट जो है वो क्या है, इस डॉग को अपने साथ ले जाता है अपने क्लिनिक में। और वहां पर जो इसकी मिस्ट्रेस है ट्रिकी वो क्या करती है, वो इसको एग सेंड करती हैं अपने कुत्ते के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस सेंड करती हैं, डेलिकेसीज एंड वाइन, और इवन यू नो वाइन भी सेंड करती हैं फॉर ट्रिकी व्हेन ही वाज रिकवरिंग एट हैरियट्स प्लेस। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं, एग्स, डेलिकेसीज, वाइन वगैरह, ठीक है, भेजी जाती हैं जेम्स हैरियट के घर पे ताकि जो है डॉक्टर साहब जो है वो ट्रिकी को दे सके। विद हैरियट्स एफर्ट्स ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड। और चैप्टर में हम देखेंगे एट द एंड जो है मिस्टर हैरियट काफी कोशिश ही करता है और उसकी वजह से जो ट्रिकी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो बदल जाता है पूरी तरीके से इनटू एन एक्टिव एंड हार्ड मसल डॉग। और चैप्टर के एंड में बिल्कुल वो एक्टिव हो जाएगा और मसल्स वगैरह हार्ड हो जाएंगी। मिसेस पम्फ्री थैंक्ड मिस्टर हैरियट फॉर द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर मिसेस पम्फ्री धन्यवाद देंगी मिस्टर हैरियट का, किस चीज के लिए? ट्रायंफ ऑफ सर्जरी के लिए। ठीक है, ट्रायंफ मतलब होता है विक्ट्री, सर्जरी की विक्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ है चैप्टर की कहानी मोटी मोटी। ठीक है, जेम्स हैरियट मेनली जो डॉक्टर है हमारी जो कि ऑथर भी है, दूसरा ट्रिकी जो पेट डॉग जिसके ऊपर ये स्टोरी है, तीसरी है मिसेस पम्फ्री जो कि उनकी उसकी जो डॉग है उसकी मिस्ट्रेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे, अब बात करते हैं करेक्टर्स इन द स्टोरी। तो करेक्टर्स में सबसे पहला मैंने बताया कि कौन है, हमारा डॉग है जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी वॉज अ डॉग हु हैड बीन पैम्पर्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट ओवरफीडिंग लग्जरीज एंड फैसिलिटीज बिकेम द कॉज ऑफ हिज इलनेस। ठीक है, तो चैप्टर में हम देखेंगे जो ट्रिकी है उसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है। पैम्पर होता है लाड प्यार करना, दुलार करना, और इस हद तक लाड और प्यार किया जाता है कि उसको ओवरफीड किया जाता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ वो जी रहा है और क्या है, फैसिलिटीज काफी दी जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ऑल दीज थिंग्स दे, ठीक है, बिकेम द कॉज ऑफ हिज इलनेस। ही बिकेम सो फैट दैट ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। इतना मोटा हो जाता है ये डॉग एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि बेचारा ढंग से चल भी नहीं पाता है। He was given princely luxuries, ठीक है, जैसे प्रिंस को है ना राजकुमारों को मिलती है महलों में, इसी टाइप की लग्जरीज हमारे डॉग को दी जा रही है चैप्टर के अंदर। He had the number of beds,
ठीक है, क्लोथ देखिए, इसके पास इसका बेड है, इसकी क्लोथ्स है, बोल्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बोल्स हैं, ठीक है। हिज रिच मिस्ट्रेस पैम्पर्ड हिम, उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री उसको काफी पैम्पर करती है, शी लव्ड हिम लाइक हिज सन, ठीक है, इस तरीके से उसको प्यार करती है जैसे कि वो कोई डॉग ना हो, वो उनका बेटा हो। हिज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, और क्रिटिक जो हमारा ट्रिकी है उसकी एक ही फॉल्ट है, इसकी एक ही कमी क्या है, ग्रीड फॉर फूड, खाने के लिए बहुत लालची है। ड्यू टू ओवर फीडिंग बाय द मिस्ट्रेस ही बिकेम अगली एंड फैटी, और बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग की वजह से जो हमारा ये डॉग है वो क्या हो जाता है, अगली हो जाता है और फैटी बहुत मोटा हो जाता है। ही बिकम्स र्यूमी र्यूमी एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस होता है कि बिल्कुल जो है थुल थुल, जो हम बोलते हैं ना, जो ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करता, एक ही जगह पड़ा रहता है, और रिव्यू होता है इसकी आंखों में पानी पानी सा नजर आता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये बीमार हो, इस टाइप से कुछ कंडीशन हो जाती है हमारे ट्रिकी की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर मिसेस पम्फ्री, जो कि मिस्ट्रेस है इस डॉग की। शी वॉज अ रिच लेडी, मैंने आपको बताया, हु हैड अ स्मॉल पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी, ट्रिकी नाम से इनके पास डॉग है, बट शी वॉज फुलिशली इंडल्जेंट एंड वुड पैम्पर द डॉग बाय गिविंग हिम चॉकलेट्स, ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो इस वजह से अपने कुत्ते को किसी चीज के लिए वो मना नहीं कर पाती, उनको उसको चॉकलेट खिलाती हैं, केक्स खिलाती हैं, जूस देती हैं, एग्स है, वाइन वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें इनको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। शी वॉज नॉट टेक्टफुल और वाइज एज डिड नॉट नो डेट द डॉग नीडेड एक्सरसाइज। अब देखो चैप्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि ये कोई चतुर लेडी नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो ये जान नहीं पाती कि उनके डॉग को क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। मिसेस पम्फ्री कंसिडर ट्रिकी टू बी हर चाइल्ड, ठीक है, मिसेस पम्फ्री के लिए ट्रिकी कोई डॉग नहीं है, वो क्या उनका चाइल्ड है, एंड टेक हिम टेक केयर ऑफ हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और जितना उनसे हो सकता है वो अपने डॉग की हेल्प कर रही हैं, उसकी केयर कर रही हैं। शी वॉज केयरिंग एंड लव्ड हर डॉग बट दिस सून लेड टू पोजेसिवनेस, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयर करना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार करना, इस वजह से वो क्या है काफी पोजेसिव हो जाती है अपने डॉग को लेकर। शी वॉज सिली, हम कह सकते हैं सिली भी है बट टेंडर हार्टेड, लेकिन दूसरी तरफ क्या उनका जो है हार्ट बहुत सॉफ्ट है। एंड शी क्राइड बिटरली व्हेन ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, हम चैप्टर में देखेंगे कि जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हमारी मिसेस पम्फ्री रोना स्टार्ट कर देती हैं। मिसेस पम्फ्री शावर्ड हर एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन टू ट्रिकी, ठीक है, जो मिसेस पम्फ्री हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, हैं, बहुत ज्यादा दुलार करती हैं ट्रिकी से, बट हर वेज वर नॉट करेक्ट, लेकिन उनका जो लाड प्यार है बहुत ज्यादा था, इस वजह से ट्रिकी बिगड़ जाता है वो, ठीक है, उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा मात्रा में प्यार करना भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा कुछ इस चैप्टर में दिखाया गया है। नाउ मिस्टर हैरियट, हमारी जो कहानी के दो ऑथर हैं, ही इज अ कॉम्पिटेंट वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर होता है जो जानवरों की देखभाल करते हैं, जानवरों को ट्रीट करते हैं। इज वेरी काइंड, बहुत काइंड है, जेंटल है विद एनिमल्स, है ना। वेन ही सीज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी ही इज वरीड, जैसे ही वो ट्रिकी की कंडीशन देखते हैं वो काफी वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ही वॉन्ट्स द डॉग्स मिस्ट्रेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर फीडिंग द डॉग, और वो वॉर्न करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि भाई आप ज्यादा इसको ओवर फीड मत कराइए, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके जो रिजल्ट होंगे वो काफी भयावह होंगे, काफी खतरनाक होंगे। बट शी लव्स द डॉग सो मच डेट शी कैन नॉट चेंज हर वेज, लेकिन मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते से इतना प्यार करती हैं कि वो अपने रास्तों को, अपने तरीकों को बदल नहीं पाती और अपने जो डॉग है उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हुई चली जाती है। मिस्टर हैरियट्स काइंडनेस एंड कंपैशन कंपेल्स, कंपेल होता है फोर्स करना, मिस्टर हैरियट की जो काइंडनेस है और जो उनका कंपैशन है, जो उनकी दया है, वो मिस्टर हैरियट को फोर्स करती है किस चीज के लिए, टू डू समथिंग फॉर द डॉग, कि वो उस डॉग के लिए कुछ करे। ही एडमिट्स द डॉग इन हिज क्लिनिक, और वो एट द एंड इस डॉग को अपने क्लिनिक में एडमिट करते हैं, एंड गिव्स हिम प्रॉपर फूड, और प्रॉपर खाना देते हैं और इनफ एक्सरसाइज देते हैं टू हेल्प हिम गेट बैक इन शेप, और एट द एंड जो डॉग है वो क्या है, शेप में आ जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी के मेन हमारे तीन कैरेक्टर्स थे, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी क्या है कहानी में, एक छोटा सा डॉग है, इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मैंने कहा था लाड दुलार करना, एंड ओवर फेड, ओवर फीड करवाना, ज्यादा खाना खिलाना, by his rich mistress, he falls seriously ill, और चैप्टर में वो बीमार पड़ जाएगा, and his mistress consults a veterinary surgeon, और उसकी जो मालकिन है वो क्या है, एक सर्जन से, वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करेंगी। Does he perform an operation? देखेंगे चैप्टर में, क्या ये डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है। Does the dog recover? क्या कुत्ता रिकवर करता है।
ठीक है, उसकी सर्जरी के बाद या बिना सर्जरी के, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं अपना ये चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आई हियर स्टैंड्स फॉर मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कहते हैं, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। बोला मैं इस बार ट्रिकी को लेकर काफी क्या हूं, चिंतित हूं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। बोला मैंने अपनी कार को क्या किया, पुल्ड अप कर लिया। पुल्ड अप होता है स्टॉप कर देना, ठीक है। इसने अपने मतलब डॉक्टर ने अपनी कार को रोका कब, व्हेन ही सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब उसने ठीक है कुत्ते को कहां देखा, गली में देखा, उसकी मालकिन के साथ, मिस्ट्रेस के साथ, ठीक है। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इस कुत्ते को देखा, उसकी अपीयरेंस को देख के डॉक्टर साहब जो है वो क्या हुए हैं, वो शॉक रह गए हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। कुत्ते की कंडीशन देखी तो काफी क्या हो गए, काफी ह्यूजली मोटा हो गया कुत्ता। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड होता है स्वोलन एंड राउंडेड, मोटा मतलब फूल गया है, राउंड हो गया कुत्ता बिल्कुल, है ना। सॉसेज, सॉसेज होता है अनबेक्ड मीट, बिना पकाया हुआ मीट, जैसे होता है ना फूल हुआ होता है, इस टाइप से देखिए ये डॉग दिख रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो डॉग है वो कैसा हो गया, ह्यूजली फैट हो गया है एंड ब्लॉटेड हो गया है। ब्लॉटेड मैंने बताया था स्वोलन हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसा हो गया, स्वोलन एंड राउंड, गोल गोल हो गया बिल्कुल, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉटेड सॉसेज हो, कोई मतलब मोटा सा मीट का टुकड़ा हो, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। देखिए मैंने बताया था ये जो डॉग है, देखिए इस तरीके से कुछ हमारा जो ट्रिकी है वो मोटा हो गया है। हिज आईज, उसकी जो आंखें हैं वो ब्लड शॉट, ब्लड शॉट मतलब होता है इनफ्लेम्ड और टिंज्ड विद ब्लड, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ टायर्डनेस। जब कुत्ता काफी थक जाता है तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, ऐसे लगता है लाल लाल सी आंखें हो जाती है, उनको बोलते हैं ब्लड शॉट, ठीक है, जैसे कि आंखों में खून उतर आया हो। एंड र्यूमी, र्यूमी होता है वॉटरी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड, ठीक है, और वो आगे देख रहा है जो डॉग है ट्रिकी, और उसकी जो टंग है लोल्ड कर रही है। लोल्ड मतलब होता है टू लाई सिट और हैंग डाउन इन अ रिलैक्स इनफॉर्मल और अनकंट्रोल्ड वे। आपने देखा होगा जो जो डॉग्स वगैरह हैं वो हाफते रहते हैं, उनकी जीभ बाहर निकली होती है, इस तरीके से कुछ कुत्ते की जो हमारा ट्रिक है उसकी टंग है, फ्रॉम हिज जॉज, ठीक है स्टूडेंट्स। मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन। और जैसे ही डॉक्टर साहब की गाड़ी रुकती है, मिसेस पम्फ्री है ना हेस्टन होता है जल्दबाजी में जाना, उसके पास मतलब एक्सप्लेन करती क्या, ही वॉज सो लिस्टलेस, ठीक है, लिस्टलेस मैंने बताया लैकिंग एनर्जी, एनर्जी ना होना जिसमें, ठीक है ना, एंथुजियाज्म जोश नहीं होना, ठीक है। तो जैसे ही डॉक्टर मिलता है उनको तो वो एक्सप्लेन करती है कि डॉक्टर साहब, ही वॉज सो लिस्टलेस मिसेस हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। इस तरीके से जो है मिसेस पम्फ्री जो है बताती है डॉक्टर साहब को कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मेरा जो डॉग है वो किससे सफर कर रहा है, मैल न्यूट्रिशन से। मैल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, मतलब जब खाना प्रॉपर नहीं मिलता है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा मील्स बिटवीन टू बिल्ड हिम अप। इसलिए भाई जो है हमारी मिसेस पम्फ्री को लग रहा है कि जो डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसलिए हमारी मिसेस पम्फ्री क्या दे रही है उनको, है ना, एक्स्ट्रास दे रही है कुछ मील्स के बीच में, ताकि थोड़ा सा डॉग कुछ हो सके, बिल्डअप कर सके। सम मॉल्ट, मॉल्ट होता है जो, ये जो दिख रहे हैं बेटा, तो जो है मिसेस पम्फ्री उसको क्या दे रही है, मॉल्ट दे रही है। मॉल्ट होते हैं ये जो जो दिख रहे हैं आपको यहाँ स्क्रीन पे। एंड कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स वगैरह भी पिला रहे डॉक्टर इसको, डॉग को, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि जो कह रही कि भाई कुत्ता आराम से सो सके। नथिंग मच टू रियली, मतलब ज्यादा नहीं दे रही बस, है ना, क्या क्या दे रही हूँ, मॉल्ट दे रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ और हॉर्लिक्स वगैरह पिला रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर पूछता है मिसेस पम्फ्री से कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो मीठी चीजें वो बंद कर देना, आपने कम की। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. ठीक है, फिर मिसेस पम्फ्री कहती है कि बोला मैंने किया था, लेकिन जो है मेरा जो डॉग है वो काफी मुझे वीक लगा, इसलिए मैंने क्या है relent करना पड़ा। relent होता है ढील देनी, मतलब पहले तो थोड़े टाइम के लिए तो उसने उसको स्वीट्स देना बंद किया था, लेकिन बाद में मिसेस पम्फ्री ने स्टार्ट कर दिया। He does love cream cakes. बोला आपको पता है उसको क्या पसंद है, क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, आपको दिख रही है स्क्रीन पे चॉकलेट है। सो आई कांट बीयर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए भाई मैं मतलब मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, ठीक है। उसके बाद मैं जो हमारा मिस्टर हैरियट है वो कहता है, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द डॉग, बोला मैंने डॉग की तरफ दोबारा देखा, दैट वाज द ट्रबल, बोला यही प्रॉब्लम है। देखिए मिसेस पम्फ्री को लग रहा है कि जो
उनका डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, और इसी गलत फहमी के चक्कर में जो मिसेस पम्फ्री है वो ये काफी एक्स्ट्रा चीजें उसको खिला रही है, मतलब ओवर फीड करवा रही है। ठीक है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ठीक है, अब जो है ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, वो क्या था, उसकी लालच, उसका ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज द फूड। है ना, ट्रिकी को आप कभी भी खाना दे दो ट्रिकी कभी मना नहीं करता। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। ठीक है, आप उसको खाना दे दो ना कभी भी दिन में या रात को किसी भी टाइम, वो कभी रिफ्यूज करेगा ही नहीं। ये क्या है, ट्रिकी का क्या है, फॉल्ट है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मेंशन्ड। और जो है डॉक्टर हमारा सोच रहा है कि भाई ऐसी मतलब ये तो चीज जो चीजें बता दी मिसेस पम्फ्री ने, और बहुत सारी कौन कौन सी चीजें होंगी जो मिसेस पम्फ्री उसको दे रही होंगी और उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने फिर पूछा मिसेस पम्फ्री से, बोला मैंने आपसे कहा था आप इसको ऐसे एक्सरसाइज करवा रहे हो, देखे यहाँ इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये डॉग किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है अपने मास्टर के साथ। वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर ही हैज बीन डाउन विद लंबागो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री कहती है कि भाई मैं उसको थोड़ी सी लिटिल वॉक करवाती हूँ जैसे अभी आप मेरे साथ देख रहे हो, बट जो इनका हॉजकिन है कौन, गार्डनर है, मिसेस पम्फ्री का गार्डनर है, नाम है हॉजकिन, बोला उसको क्या हो गया, लंबागो हो गया। लंबागो मतलब पेन इन मसल्स, ठीक है, एंड जॉइंट्स लोअर बैक में। इसीलिए आज क्या है, नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो रिंग थ्रोइंग आपने देखा होगा, रिंग फेंक के जो कुत्ता है वो उसको उठा के लेके आता है, इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है डॉग्स की। आई ट्राई टू सीवियर टू साउंड सीवियर, डॉक्टर कहता है मैंने थोड़ा सीवियर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर थोड़ा सा गुस्से में आ गया, बोला मैंने क्या कहा था, अगर आप इसका खाना बंद नहीं करोगे तो सुन लेना, है ना, और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये आपका जो डॉग है वो क्या है, वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, डॉक्टर ने फिर उसको एडवाइस दी क्या, कि आपको अपना हार्ट को हार्ड करना होगा और इसको काफी स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने के लिए दे दिया, इसकी डाइट स्ट्रिक्ट रखनी होगी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री बेचारी हाथ मलने लगी, क्योंकि उनके बस की ये काम नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। Oh, I will, Mr. Harriet, I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. ठीक है, तो मिस्टर हैरियट को क्या कहा मिसेस पम्फ्री ने, बोला ठीक है मुझे पता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट, बोला मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ठीक है, और शी सेट ऑफ, ठीक है, अब जो है सी मतलब मिसेस पम्फ्री वहां से निकल गई रोड के साथ साथ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार डिटरमाइंड हो किस चीज के लिए, टू पुट द न्यू रिजाइन, रिजाइन होता है जो उसको कोर्स बताया ना डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह डाइट वगैरह का, कि बोला शायद इस बार तो मिसेस पम्फ्री करेंगी प्रैक्टिस में लाएंगी तुरंत। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब डॉक्टर जो है वो प्रोग्रेस देख रहा है डॉक्टर की, ठीक है, चिंतित भी है डॉग के लिए। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग होता मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, ट्रिकी जो है वो चल रहा था किस तरीके से, कमजोरी महसूस सा करता हुआ, अस्थिर सा, जैसे कि चक्कर आ रहे हो। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ये जो ट्वीड कोट होता है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो इस डॉग ने पहना हुआ है, इसको दिस इज नोन एज ट्वीड कोट, देखिए इसने भी पहना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ट्वीड कोट। तो ट्वीड कोट में है ट्रिकी, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, ठीक है, ट्रिकी के पास पूरा का पूरा वार्डरोब है किनका, इन ट्वीड कोट्स का, फॉर द कोल्ड वेदर, देखिए कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेन कोट अलग है वेट डेज के लिए, ठीक है, आप सोच के देखिए। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है चलने में, हमारे ट्रिकी को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, और उसकी ऐसी कंडीशन देख के डॉक्टर साहब ने को पता चल गया है कि क्या, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, कि बहुत जल्द ही मिसेस पम्फ्री का क्या आएगा, कॉल आएगा उसको, ठीक है, इसके लिए ट्रिकी के लिए। The expected call came within a few days. और जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था, जो कॉल है वो कुछ ही दिनों में आ गया। Mrs. Pumphrey was distraught. Distraught मतलब होता है very worried and upset. Mrs. Pumphrey काफी ज़्यादा चिंतित हैं। Tricky would eat nothing. Tricky ने क्या है? खाना बंद कर दिया है। Refused even his favorite dishes. Tricky ने अपनी favorite dishes को भी खाना बंद कर दिया है। Besides इसके अलावा he had bouts. Bouts होता है a short period of intense activity of a specific kind. ठीक है, bouts of vomiting मतलब बीच बीच में रह रह के जो हमारा ट्रिकी है वो क्या कर रहा है, वोमिटिंग भी कर रहा है, ठीक है ना, तबीयत खराब हो गई मतलब, ठीक है, ट्रिकी की।
He spent all his time lying on a rug, ठीक है? और आपको पता है listless हो गया है, ठीक है? एनर्जी बची नहीं है, खाना वाना बंद कर दिया, बीमार पड़ गया है, तो सारा का सारा टाइम वो क्या है? रग होता है फ्लोर पे, है ना, फ्लोर पे पड़े पड़े ये बिताता है। पेंटिंग होता है हाफना, ठीक है, इस तरीके से हाफता रहता है और बस फर्श पे पड़ा रहता है, कुछ खाता पीता है नहीं, ऐसी कुछ हालत होगी हमारे टर्की की। देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे है डॉग, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब जो हमारा ट्रिकी है, ना तो वॉक्स पे जा रहा है और ना कुछ वो काम कर रहा है, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, डॉक्टर कह रहा है कि मैंने एडवांस में अपना प्लान कर लिया है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, मतलब सिर्फ एक ही चीज है, एक ही तरीके से ट्रिकी को बचाया जा सकता है, क्या है कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आई सजेस्टेड डेट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, और हमारे डॉक्टर ने कहा मिसेस पम्फ्री को कि आप एक काम करिए, आप अपने जो ये डॉग है ट्रिकी है इसको हॉस्पिटलाइज करवाइए। इस कितने टाइम के लिए? फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, मतलब 15 दिन के आसपास हम कह सकते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, बोला हमें आपका जो डॉग है ट्रिकी है उसको क्या है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा जी, ठीक है। कितने दिन के लिए? ऑलमोस्ट 14 डेज के लिए हमें ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, आप इसको हॉस्पिटलाइज करवाइए। ऐसी कुछ सलाह मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को दे दी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, और ये बात सुनते ही जो मिसेस पम्फ्री है वो सून कर गई। सून होता है फेंट करना, बेहोश हो जाना एक तरीके से। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, ठीक है। अब मिसेस पम्फ्री को लग रहा है कि उनका जो कुत्ता है वो क्या हो जाएगा, पाइन हो जाएगा। पाइन मतलब होता है बहुत उदास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी मालकिन से दूर हो जाएगा ना, एंड डाई, और मतलब मेरा कुत्ता मर जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा, ठीक है, अगर वो मुझे नहीं देखेगा, ऐसा कुछ मिसेस पम्फ्री ने बोला डॉक्टर साहब को। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लाइन होता है डिसीजन, डॉक्टर कहता है लेकिन मैंने इस बार तो बड़ा डिसीजन ले लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, इस बार तो ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका है ट्रिकी को बचाने का। क्या तरीका है? ठीक है, डॉग को हॉस्पिटलाइज करवाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और डॉक्टर को लग रहा है कि बिना डिले किए, बिना देरी किए तुरंत लेकर जाया जाए इस जो डॉग को, कहा अपने हॉस्पिटल में। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स होता है रोना, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर इसको ले जाने के लिए है ना बात कर रहे हैं डॉग्स को, है ना ट्रिकी को, तो मिसेस हमारी पम्फ्री है उसने रोना स्टार्ट कर दिया। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ठीक है। अब मिस्टर हैरियट क्या है, कुत्ते को उठा के ब्लैंकेट में लपेट के और अपनी छोटी कार तक लेके जाते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, और जैसे ही जो लेके जा रहे हैं ट्रिकी को, पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो जग सा गया। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और मेड्स अंदर गई हैं, ठीक है, जो ट्रिकी है उसका डे बेड लेके आई, नाइट बेड लेके आई, उसकी फेवरेट कुशंस लेके आई हैं, ठीक है। ये देखिए आपने देख रहे हैं बेड है ये ट्रिकी के लिए, एंड रबर रिंग्स वगैरह, ठीक है। ब्रेकफास्ट बोल, ये बोल होता है बेटा डॉग्स का, ठीक है, तो ये बोल्स लेके आए हैं बोल, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए अलग बोल है, लंच के लिए अलग बोल है, सपर के लिए, सपर होता है इवनिंग मील, शाम के खाने के लिए अलग बोल है। तो मतलब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोल्स हैं, उसके कुशंस हैं, उसके टॉयज हैं, तो कितनी सारी चीजें मेड्स वगैरह लेने के लिए अंदर भागी हैं। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब डॉक्टर को भाई इस बात का एहसास हुआ कि इतनी सारी चीजें हैं जो लेके आ रहे हैं, कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, है ना, ये बोल्स डिफरेंट टाइप्स के, बोला उसकी कार में इतना सारा सामान नहीं आएगा, ठीक है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, डॉक्टर ने अपनी गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। एज आई मूव ऑफ, और जैसे डॉक्टर डॉग को लेके जा रहे हैं, मिसेस पम्फ्री विद अ डेस्पेरिंग, डेस्पेरिंग होता है निराश, क्राई, मिसेस पम्फ्री रो रही है बेचारी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और आर्मफुल लिटिल कोट्स जो है मिसेस पम्फ्री ने कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और हमारा डॉक्टर देख रहा है मिरर के अंदर पीछे पीछे की पीछे क्या सीन चल रहा है, और क्या सीन है, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा है। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, और फिर वो गाड़ी को रोड पे ले आया और फिर उसने अपने साइड में बैठे हुए ग्लैंस के, ग्लैंस होता देखना, उस पैथेटिक, पैथेटिक होता दयनीय, क्या होता है दयनीय, उस दयनीय छोटे से जानवर की तरफ देखा हमारे डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने, ठीक है। एंड द एनिमल वॉज गैस्पिंग, गैस्पिंग होता है हाफना, ठीक है। जो ट्रिकी है वो साइड वाली सीट पे बैठ के हाफ रहा है। आई पैटेड, पैट होता थपथपाना, द हेड उसके सिर पे थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग मू, है ना, वैग हिज टेल, ठीक है। और जैसे ही उसने यू नो उसके
जो सिर पे थोड़ा सा हम हिंदी में कहते हैं ना पुचकारना, उसको पुचकारा। तो क्या है, जो ट्रिकी ने क्या किया, अपनी पूंछ को हिलाना स्टार्ट कर दिया। पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड, बोला ओहो यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ठीक है, बोला आपके अंदर क्या है, किक नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पता है कि तेरा क्योर क्या है, मतलब हमारे डॉक्टर साहब को पता है ट्रिकी की क्या प्रॉब्लम है और उसी का उपचार करने के लिए अब ट्रिकी को वो अपने हॉस्पिटल लेके जा रहा है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां उसके घर में जो और भी कुत्ते हैं वो आ जाते हैं तुरंत से डॉक्टर के पास। ठीक है, सर्ज होता है मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, कुत्ते आपको पता है किस तरीके से आपके आके बिल्कुल आपके पास आ जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, अब ट्रिकी ने, जैसे ट्रिकी तो आपको पता है गोद में बैठा हुआ है, ट्रिकी ने नीचे नॉइजी पैक, पैक होता है कुत्तों का समूह, ये जो देखिए कुत्तों का समूह है इसको बोलते हैं पैक ऑफ डॉग्स। ठीक है, विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जैसे ट्रिकी को नीचे रखा तो वो बेचारा मोशनलेस हो गया कारपेट पे। ठीक है, मतलब इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग होता है सूंघना। ठीक है, जो दूसरे कुत्ते हैं उन्होंने हमारे ट्रिकी को सूंघा है ना, सूंघते हुए इसके आसपास कुछ सेकंड्स के लिए घूमे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने डिसाइड किया अरे ये जो ट्रिकी है ये तो अनइंटरेस्टिंग है, इसमें तो कोई मजे वाली बात नहीं है, इसलिए कुत्तों ने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया दूसरे कुत्तों ने। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, ठीक है, फिर डॉक्टर ने इसके लिए क्या बनाया, एक बेड बनाया। ठीक है, वार्म लूज बॉक्स में नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, है ना, जहां दूसरे कुत्ते सो रहे हैं उन्हीं के पास। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, अब देखिए डॉक्टर ने इसका उपचार कैसे किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो दिनों तक जो डॉक्टर ने उस पर नजरें बनाए रखी, गिविंग हिम नो फूड, देखिए दो दिनों तक, ठीक है, टू डेज क्या है, गिविंग हिम नो फूड, हमारे डॉक्टर ने उसको कोई खाना नहीं दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के एंड पे क्या है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दो दिन है ना, दूसरे दिन के एंड में जो हमारे ट्रिकी के अंदर चेंज आया कि क्या है, आस पास की चीजों में ट्रिकी क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन ठीक है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसने कुत्तों को सुना, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड, ट्रॉटेड मतलब होता है रन एट अ मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप्स, जैसे इसने दरवाजा खोला ट्रिकी भागा। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड, सो ठीक है इनगल्फ होता है ठीक है, बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा ट्रिकी भागा आगे उसकी मुलाकात किससे हो गई है, ग्रे हाउंड से हो गई है। ग्रे हाउंड भी एक कुत्ते का टाइप है ये वाला, ठीक है, और इसके दोस्तों ने उसको क्या है इनगल्फ कर लिया, इनगल्फ मतलब स्वीप ओवर सो एज टू सराउंड और कवर इट कम्प्लीटली, उसके आसपास मतलब कुत्तों ने झुंड बना लिया, इसके आसपास ट्रिकी के आसपास। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुत्तों ने इसको हमारे ट्रिकी को गिरा लिया, उसको रोल करवा रहे हैं, और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स कहाँ चले गए, वो सारे जो ग्रे हाउंड्स वगैरह गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, उनके पीछे पीछे ट्रिकी चला गया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब बेचारा हमें पता है उसका क्या है, सरप्लस फैट है, थोड़ा मोटा है तो थोड़ा सा रोल करता हुआ जा रहा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसी दिन फिर वो कहता है हैरियट कि जब फीडिंग टाइम आया, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड, स्लॉब्ड होता है बिखेर देना, स्पिल और फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर द फूड इन टू द बोल्स। ठीक है, हमारा डॉक्टर कह रहा है जब ट्रिस्टन ने फूड को बोल्स में डाला तो उसी टाइम डॉक्टर भी वहां मौजूद है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीडिंग ईटिंग। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, जब खाना डलता है तो सारे कुत्ते भागे भागे आते हैं, है ना, एक दूसरे से पहले। एवरी डॉग न्यू डेट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, और डॉक्टर कहता है कि ना हर कुत्ते को ये पता होता है कि अगर वो पीछे रह गया तो क्या है लास्ट पार्ट ऑफ द मील में उसको क्या है कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, मतलब कुत्ते को एक तरीके से कॉम्पिटिशन लग जाता है ना कि कौन पहले खाएगा, जो पहले खा गया खा गया, इस तरीके से कॉम्पिटिशन सा होता है, तो मतलब यूजली ऐसा होता है। और सभी कुत्ते आगे, ठीक है, और सबकी खाने की स्पीड क्या है काफी हाई है। When they had finished, अब देखो कुत्तों ने जब फिनिश कर लिया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, फिर ट्रिकी का नंबर है बेचारे का खाने का, है ना। अब देखो शाइनिंग बोल्स, अब कुत्तों ने खाना खा लिया है तो अब जो उनके कटोरे थे जो बोल्स थे वो क्या है शाइन कर रहे हैं। लिकिंग कैजुअली इन साइड वन और टू ऑफ देम, ठीक है, अब जो हमारा ट्रिकी आया उसने लिक किया उनको, ठीक है, एक दो में। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन डॉक्टर ने एक और एक्स्ट्रा बोल रख दिया उसके लिए। एंड
द डॉक्टर वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग. जॉसलिंग होता धक्का मुक्की करना. अगले दिन डॉक्टर ने क्या नोटिस किया, जो ट्रिकी है वो धक्का मुक्की कर रहा है, ठीक है, खाने के लिए, करेक्ट है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है वो तेज हो गई, रैपिड होता तेज. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं दी, ध्यान रहे डॉक्टर ने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी किसी भी टाइप की. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बस सारे दिन वो क्या है इन कुत्तों की तरीके से, देखिए जैसे ये डॉग्स भाग रहे हैं ना, तो हाँ इन डॉग्स की तरीके से वो भागता रहता है. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस होता है अ कंफ्यूज स्ट्रगल और फाइट. देखिए ये फाइट सा कर रहे हैं ना इस तरीके से, देखिए देखिए अभी फाइट कर रहे हैं डॉग्स, तो इस तरीके से वो इन कुत्तों को ज्वाइन करता है. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बोल्ड ओवर, अब हमारे ही यहां पर है, ही स्टैंड्स फॉर ट्रिकी, ट्रिकी ने पा लिया है, किस चीज को डिस्कवर कर लिया है, जॉयज ऑफ बींग बोल्ड ओवर, इस तरीके से जब ऐसे धक्का मुक्की होती है किस तरीके से कुत्ता गिरता है, देखिए ये डॉग गिर गया, तो इस चीज की जो खुशियां हैं वो क्या होती हैं वो ट्रिकी ने जान लिया है. ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प होता है कुचलना. ऑन एंड स्क्वैश्ड, स्क्वैश्ड होता है फ्लैट सॉफ्ट और आउट ऑफ शेप एज अ रिजल्ट ऑफ बींग क्रश्ड, कि मतलब किस तरीके से कुत्ते एक दूसरे को कुचलते हैं, एक दूसरे पे चढ़ते हैं, उस चीज की क्या खुशियां होती हैं, ये चीज हमारे ट्रिकी ने जान ली है, ठीक है. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब कुत्तों की गैंग का हमारा जो ट्रिकी है वो क्या है, एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, मतलब कुत्तों ने की गैंग ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हमारा जो ट्रिकी है सिल्की है ना, ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी, शैगी होता है लॉन्ग थिक एंड अनकैम्ड, मतलब लंबे लंबे बाल हो, ठीक है, घने बाल हो और जिनको की ढंग से केयर ना की जाए, मतलब बिखरे हुए से. क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर, ठीक है, अब वो क्या है, टाइगर जैसे फाइट करता है फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स. अब ट्रिकी पहले जैसा नहीं रहा, ट्रिकी क्या है टाइगर की तरीके से लड़ता है अपने खाने के लिए. एंड हंटिंग रेट्स इन द रेड ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को क्या है रेट्स को हंट करता है. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, बोला जैसा टाइम ट्रिकी अब डॉक्टर हैरियट के घर में बिता रहा है, ऐसा टाइम ट्रिकी का कभी जिंदगी में आया ही नहीं. देखिए स्टूडेंट्स यहां देखिए किस तरीके से डॉग्स किस तरीके से इस बैलून के साथ खेल रहे हैं और ऐसे ऐसे जॉसलिंग कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप का कुछ टाइम बिता रहा है अब हमारा ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड, हॉवर्ड होता है मंडराना, ठीक है, तो इसी बीच हमारी जो मिसेस पम्फ्री है वो मंडराती रहती है चिंता में. इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, ठीक है, दिन में दर्जनों बार फोन करती है फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन होता है न्यूज, डॉक्टर को बार बार फोन करते हैं, डॉक्टर साहब कैसा मेरा डॉग. आई डॉज, डॉज मतलब अवॉइड करना, द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्नड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. आप देखिए अब कैसे कैसे सवाल पूछते हैं मिसेस पम्फ्री, कि जी उसके जो कुशंस वगैरह हैं वो आप बार बार चेंज कर रहे हो रेगुलरली, ठीक है, या उसको आपने करेक्ट कोट पहनाया है वेदर के अकॉर्डिंग, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करती हैं मिसेस पम्फ्री डॉक्टर से, और डॉक्टर इन जो है क्वेश्चंस को क्या करते हैं डॉज करते हैं, अवॉइड कर देते हैं. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger. लेकिन सिर्फ डॉक्टर ने उनको मिसेस पम्फ्री को इतना ही बताया कि जो उनका जो डॉग है वो क्या है आउट ऑफ डेंजर है, अब खतरे से बाहर है. एंड कन्वल्सिंग है ना, कन्वल्सिंग होता है रिकवर करना, ठीक है ना, वो मतलब रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से रैपिडली. द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, और जैसे ही है ना मिसेस पम्फ्री ने वर्ड सुना दी कि she, है ना, he was convulsing, she started to bring round fresh eggs, ठीक है, और मिसेस पम्फ्री ने क्या लाना शुरू कर दिया, अंडे ला रही हैं, देखो एग्स ला रही हैं, टू डजन एट अ टाइम, एक टाइम पे दो दर्जन अंडे भिजवा देती हैं अपने डॉग के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी को खिलाओ जी, ट्रिकी को क्या है ताकतवर बनाओ. फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, वो कहते हैं कि काफी यू नो काफी हैप्पी पीरियड के लिए मतलब मेरे पार्टनर और मैं दो दो अंडे खा जाते हैं ब्रेकफास्ट में. बट वेन द बॉटल्स ऑफ But when the bottles of wine began to arrive, और बाद में क्या है मिसेस पम्फ्री ने bottles of wine भिजवानी शुरू कर दी, देखिए wines, मतलब wines भी भेज रही हैं अपने dog के लिए. The real possibilities of the situation began to dawn on the household, ठीक है, dawn होता है early in the morning, ठीक है. तो अब भाई देखो मतलब the doctor was surprised कि यार पहले तो eggs आ रहे थे, ठीक है चलो enjoy कर रहा है वो, बाद में wine भी आने लगी, तो बोला ये जो situation है बोला भाई ये तो बढ़िया होती जा रही है. It was to enrich Tricky's blood. अब जो वाइन क्यों भेजी गई, ट्रिकी के अंदर खून की कमी ना रही जी. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लासेस ऑफ वाइन. अब देखिए लंच में क्या है डॉक्टर साहब, क्या है दो ग्लास दारू के भी जाते हैं बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, ठीक है ना, मतलब जो चीजें ट्रिकी के लिए आ रही हैं वो सारी चीजें कौन एंजॉय कर रहे हैं,
डॉक्टर, ठीक है, we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और बोला डॉक्टर कह रहा कि हमें तो यकीन ही नहीं हुआ जब ब्रांडी भेजी. देखिए ये है ब्रांडी, क्या है ब्रांडी, ठीक है. तो बोला जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लगी कि भाई उसका आप फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छे से बनवाइए, है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो डॉक्टर को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, ठीक है. अगला कुछ रातों के लिए ये जो ब्रांडी है इसको इन्होंने क्या किया, पिया पूरे रिस्पेक्ट से. देर दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट होता है बेटा सेटिस्फेक्शन, ठीक है. सो बोला वो जो दिन थे ना वो बड़े सेटिस्फेक्शन के डे थे. डॉक्टर कह रहा है स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स, दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स के साथ, इंप्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और जो है दिन में मिड डे में क्या पी लेते, वाइन पी लेते, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात किससे इनकी खत्म होती, ठीक है, आग के साथ साथ ब्रांडी पी रहे हैं. देखिए क्या मजा आ रखा है डॉक्टर का. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, टेम्पटेशन होता है अट्रैक्शन, ठीक है. डॉक्टर कह रहा है कि बोला यार अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंटली रह जाए गेस्ट के तौर पे. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि मुझे पता है मिसेस पम्फ्री क्या है, सफर कर रही है, परेशान है. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मैंने बताया था अ पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है, फोर्टनाइट के बाद फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड होता है फोर्स करना, टू फोन, ठीक है. फोर्टनाइट के बाद डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और मिसेस पम्फ्री को बताया कि वो जो छोटा सा जो डॉग है वो क्या है, रिकवर कर चुका है. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और जो कुत्ता है वेट कर रहा है मिसेस पम्फ्री का. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और कह रहा है मतलब जैसे ही उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आपका कुत्ता आपका वेट कर रहा है ना, विद इन मिनट्स जो है, ठीक है, 30 feet ऑफ ग्लीमिंग, ग्लीमिंग होता है शाइनिंग, ठीक है, ब्लैक मेटल की मतलब काली सी जो कार है वो आ गई इनकी हॉस्पिटल के बाहर. द शॉफर, शॉफर होता है ड्राइवर, ठीक है ना, ओपन द डोर, ड्राइवर ने डोर को ओपन किया. आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, ठीक है. तो जैसे मतलब यू नो शॉफर ने गाड़ी रोकी है, दरवाजा खोला, ठीक है, इससे पहले कि वो मिसेस पम्फ्री को यू नो फिगर कर पाता, मिसेस पम्फ्री के हैंड्स ने उस डॉक्टर को पकड़ लिया, ठीक है, और हमारी मिसेस पम्फ्री के जो लिप्स हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, और क्या पूछा मिसेस पम्फ्री ने, मिस्टर हैरियट सच सच बताना, सही बताओ, बिल्कुल ट्रुथ बताओ, क्या मेरा कुत्ता बेटर है. यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, बोला आपकी कार से आने की बाहर कोई जरूरत नहीं है, आई विल गो एंड फेच हिम, फेच मतलब द ब्रिंग, ठीक है. तो कहता है कि आप बाहर मत आइए, मैं भी ले गया आपके डॉग को. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, डॉक्टर गया भागा भागा गार्डन के अंदर. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन, ठीक है, कुत्तों का काफी समूह जो है वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहा लॉन के अंदर, घास के मैदान के अंदर. एंड इन देयर मिड्स, मिड्स द मिडल, ईयर फ्लैपिंग, ठीक है, और उन्हीं के बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, टेल को वेव करता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ठीक है, उन्हीं के बीच में कौन है, ट्रिकी है. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल, 2 हफ्तों के अंदर ही जो हमारा ट्रिकी है वो ट्रांसफॉर्म हो गया. ट्रांसफॉर्म होता है चेंज करना, किसमें, एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल में. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, कीपिंग अप वेल विद पैक मैंने बताया था कुत्तों के झुंड को कहते हैं, कुत्तों के झुंड के साथ बहुत बढ़िया मस्त है ये जो है ट्रिकी. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ठीक है, स्ट्रेच आउट करता है, ठीक है, और उसकी जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट क्या है, ग्राउंड को ब्रश कर रही है. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है. अब जो डॉक्टर उसको लेके आता है फ्रंट ऑफ द हाउस में, द शॉफर, शॉफर बताया था मैंने, ड्राइवर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ठीक है, अभी भी मिसेस पम्फ्री नीचे नहीं उतरी है, शॉफर ने दरवाजा पकड़ा हुआ है. एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्टर, और जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रीमेंडस लीप, लीप होता है जंप, जो कुत्ता है वो फदक के मतलब फुदक के बोलते हैं जंप मारते हुए नीचे उतरा. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, लैप होता गोद, और सीधा जाके चढ़ गया मिसेस पम्फ्री की गोद में. शी गेव अ स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड होता है सरप्राइजिंग, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, ठीक है, स्वार्म होता है मंडराना, बिल्कुल जैसे मधुमक्खियां मंडराती ना, तो इस तरीके से कूद के वो उसकी यू नो मिसेस पम्फ्री की गोदी में चढ़ गया, है ना, लिकिंग हर, और उसको क्या कर रहा है, अपनी मिस्ट्रेस को लिक कर रहा है ना, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और भौंक रहा है.
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, ठीक है, और मतलब नाउ मिसेस पम्फ्री शी वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, जो हमारा डॉक्टर है वो हेल्प कर रहा है शॉफर की किस चीज में, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जो बेड्स वगैरह जो टॉयज कुशंस कोट्स और बॉल्स जो आए थे, ठीक है ना, इस डॉग के लिए ट्रिकी के लिए, उन सबको वापस लेके है ना कार में डालना है ना, तो नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, देखिए वो क्या कहता है कि इनमें से है ना इन बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स बॉल्स में से हमारे डॉक्टर ने कुछ भी यूज नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही कार आगे बढ़ी मिसेस पम्फ्री है ना जो है वो शी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो उन्होंने खिड़की से बाहर झांकी, वो टीयर शोन इन हर आईज, और मिसेस पम्फ्री की आंखों में क्या थे, आंसू थे, चमक रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और मिसेस पम्फ्री के जो होठ कपकपा रहे थे, और एट द एंड देखिए क्या कहा उन्होंने, ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट था मिसेस पम्फ्री का कि ओ मिस्टर हैरियट, रोते हुए उन्होंने बोला कि मैं आपका किस तरीके से धन्यवाद करूंगी, दिस इज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ होता है जीत है ना, विक्ट्री, बोला ये सर्जरी की जीत है, इस तरीके से एट द एंड हमारा जो ट्रिकी है वो कुछ इस टाइप का हो गया, बिल्कुल फिट एंड फाइन, ठीक है। और ये कुछ चीजें होती हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारी मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की केयर के लिए डॉक्टर को दी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइमली मिल सके और आप इंग्लिश के चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स, ठीक है, और कोई अगर टीचर देख रहा है तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।